हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ प्रियादीप इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैंने कोशिश किया है कि मैं उनकी मेकअप लुक को थोड़ा बहुत रिक्रिएट अच्छे से कर पाऊँ। सो आई होप आप लोग को पसंद आए। सो अब बढ़ते हैं अपने मेकअप की तरफ। तो मेकअप के लिए हम अपने स्किन को अच्छे से पहले प्रेप कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है मॉइस्चराइज़र। एंड ये है निविया का मॉइस्चराइज़र। इसकी जो टेक्सचर है वो बहुत ही थिक है, सो ये ब्लेंड करने में थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो मुझे इसकी ये चीज़ पसंद नहीं है, बट मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो मैंने सोचा कि इसे यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, और सीरम मैंने DIY सीरम यूज़ किया है। सो अगर आपको जानना है कि ये कौन सा DIY सीरम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो मैंने अपना DIY सीरम यूज़ कर लिया है। देन हम यूज़ करेंगे सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो मैंने यहाँ यूज़ किया है लोटस का सनस्क्रीन, जो कि मुझे ना के बराबर पसंद है। आप देख सकते हो ये कितना अजीब सा है, ये भी बहुत ज़्यादा ब्लेंड होने में प्रॉब्लम करता है। सो इसे मैंने बट अच्छे से ब्लेंड कर लिया है थोड़ा प्रेशर लगा के। देन मैंने यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके मेकअप के लिए। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का प्राइमर। सो आपको कोई भी आप मेकअप कर रहे हो, लाइट मेकअप कर रहे हो, हैवी मेकअप कर रहे हो, बट आप प्राइमर यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल स्किप ना करें, प्राइमर ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ वेट एंड वाइल्ड एंड मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन लिया है। एंड वेट एंड वाइल्ड में मेरा शेड है गोल्डन, एंड मेबलिन में मेरा शेड है 220। सो मैं इसे अच्छे से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी, एंड एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को भर भर के प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल बटन को भी हिट कर दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का ये कंसीलर। सो इसे मैं अच्छे से अपने अंडर आइज़ पे एंड टिप ऑफ द नोज़ पे, फॉरहेड पे एंड माउथ के अराउंड लगा लूँगी। एंड जहाँ कहीं भी आपको पिगमेंटेशन लग रहा है, आप उस अनुसार से यूज़ कर सकते हो इसे अपने स्किन पे। देन मैंने यहाँ पे एक स्मॉल स्पंज लिया है, एंड बहुत ही प्यारा स्पंज है ये, बहुत ही अच्छा स्पंज है। सो इसकी हेल्प से मैं इस अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइज, मैंने अपने चैनल पे गिव अवे स्टार्ट किया है। सो अगर आप जानना चाहते हो गिव अवे के रूल, गिव अवे के गिफ्ट्स क्या क्या हैं, क्या करना होगा आपको गिव अवे के गिफ्ट विन करने के लिए, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे रूल्स हैं, सब कुछ है उसमें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट, एंड मैं अपने सारे कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड आप नेक एरियाज़ को एंड ईयर को बिल्कुल ना भूलें, उसे भी अच्छे से कवर अप करें। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ माल्याओ का आईब्रो पैलेट, एंड उसमें से मैंने एक डार्क ग्रे शेड लेके अपने आईब्रो को फिल किया है। एंड जब आप अपना आईब्रो फिल करते हो, तो आपका पूरा जो मेकअप का लुक है, आपके फेस का जो लुक है, वो चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, अमेजिंग लगता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एकदम चेंज हो गया है पूरा फेस ही। सो मैं अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर ले रही हूँ। देन मैंने अगेन सिस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, एंड अपने आईलिड पे इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरा जो आई शेडो का कलर है वो बहुत ही अच्छे से उभर के आए। एंड गाइस, आप अगर कोई लाइट शेड लगा रहे हो, कोई ब्राइट शेड लगा रहे हो, और आप चाहते हो उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आए, तो आप अपने कंसीलर को सेट मत कीजिए, इससे जो आपका कलर का पिगमेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, एंड मैंने शेड नहीं किया है डायरेक्टली, मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन शेड। सो मैंने यहाँ पे विंकी सिस ब्यूटी का विंकी आई शेडो पैलेट लिया है, एंड इसे मैं अपने
क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ इस ब्राउन शेड को, आप देख सकते हो। एंड आप धीरे धीरे कलर को बिल्डअप करें, डायरेक्टली एक डार्क सा कलर लेके अपने आईलेट पे अप्लाई ना करें, आप धीरे धीरे कलर अप्लाई करें। एंड अगर आपको लगता है कि आपको और डार्क कलर चाहिए तो आप धीरे धीरे उसे आप डार्क कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली अप्लाई मत करो, वो बहुत ही गंदा दिखेगा, फिर आपका सारा आई मेकअप स्पॉयल हो जाएगा। देन मैं थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ। सो प्रियादीप मैम का जो क्रीज पे जो कलर था वो थोड़ा ब्राउनिश था, पीछे ब्राउनिश था शेड था, तो मैंने वैसा ही किया है। एंड उन्होंने अपने मिडिल ऑफ द आईलेट पे, मींस इनर कॉर्नर से लेके मिडिल आईलेट तक, उन्होंने ये जो मेरी साड़ी का कलर है ब्लू सा, इसे शायद रामा कलर बोलते हैं, सो मैंने ऐसा कुछ कलर अपने आईलेट पे अप्लाई किया है। एंड मैंने ये लुक इसलिए चूज़ किया ना क्योंकि उनका जो साड़ी का वो था डिज़ाइन था और मेरी साड़ी का जो डिज़ाइन था वो मुझे लगभग सेम लग रहा था, तो मुझे लगा कि ये लुक तो क्रिएट करना चाहिए यार, तो मैंने कर लिया। सो यहाँ मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का आईलाइनर एंड मैंने एक विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है उन्हीं की तरह। देन मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है एंड मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। मुझे काजल अप्लाई करना थोड़ा कम पसंद है बट लुक की रिक्वायरमेंट है तो करनी पड़ेगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 3D का रेड चेरी आई लैसेज एंड ये मैंने न्यू परचेस किया है, मैंने पूरा सेट परचेस किया है। सो अगर आप इसका रिव्यू चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने पहले सोचा कि इसे यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो इसका नेक्स्ट वीडियो शायद इसी आई लैसेस के रिव्यू पे आ सकता है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। एंड ये बहुत ही अमेजिंग है, मैंने इसे यूज़ किया एंड मैं इतने थोड़ी देर इसे रहने दिया था, ये पता है बहुत अच्छे से स्टिक हो गया एंड बहुत अच्छे से ये स्टिक रहा भी, ऐसा नहीं कि ये उतर रहा था या ऐसा कुछ प्रॉब्लम, जब मैंने उस उतारा तो भी ये बहुत टाइम के बाद मतलब हुआ था, हटा था। तो मैंने यहाँ पे अपने काजल को हल्का हल्का स्मज कर लिया एंड मैं सेम पैलेट से ब्राउन शेड लेके कॉन्टोर कर रही हूँ। तो मैंने अपने चिक बोन्स को, फरहेड को एंड जॉ लाइन को एंड ऑल्सो माई नोज़, क्योंकि उसे तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, तो उसे मैंने अच्छे से कॉन्टोर कर लिया है, आप देख सकते हो मेरे मोटे से नोज़। देन हम अप्लाई करेंगे ब्लश। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे लिया SFR कलर्स का ये ब्लश हाइलाइटर एंड कॉन्टोर पैलेट, उसमें से मैंने पिंक शेड लेके अप्लाई किया है एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक्सेस जो है वो उसे रिमूव कर ले रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे बटन वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है एंड अपने हाई पॉइंट्स पे से अप्लाई कर लूँगी, चिक्स पे, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज एंड ऑल्सो माई फॉरहेड। सो मैं मिडल पे अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं दोनों साइड्स पे जो बोन होते हैं वहाँ अप्लाई करती हूँ एंड अपर लिप्स पे, चिन पे एंड ऑल्सो माई ब्रा बोन, क्योंकि वहाँ तो लगाना बनता है। एंड आप अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना कैसे भूल सकते हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनके लुक को अच्छे से रिक्रिएट कर पाऊँ। एंड मैं लास्टली अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। देन मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे डार्क मरून शेड लिया है लिपस्टिक का एंड उसे मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपने लिप पे अप्लाई कर रही हूँ एंड ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मेरा बहुत मन था तो मैंने सोचा कर ले तू, एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। सो मैंने ट्राई किया एंड मेरे लिप्स थोड़े मोटे भी हैं तो अच्छा लगता है आउटलाइन करना। देन मैंने यहाँ पे मेबेलिन का रेड कलर लिया है एंड उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे। सो या अब देखो तो कितना प्यारा कलर है।
एंड या गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, आप लोग को अच्छा लगा हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और इंस्पायर्ड मेकअप लुक करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन को भी हिट कर सकते हो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैंने अपने चैनल पे गिव अवे स्टार्ट किया है, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो, सारे रूल्स देख सकते हो, उसे फॉलो करो एंड गिफ्ट्स भी जीत सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।